हाँ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं, और ये बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 2 है। जैसा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये टू टर्म के एक्सपेंशन का और हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने का क्या ये बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है, और ये हमारी कैलकुलेशंस को जहाँ पर हमें टू टर्म्स का एक्सपेंशन करना होता है पर्टिकुलरली, उसको वो थोड़ा इजी कर देता है। सो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और जहाँ हम लोगों ने अपने टॉपिक को फर्स्ट लेक्चर में छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो बाइनोमियल थ्योरम को नोट किया था वो क्या था कि अगर एक्स प्लस ए टू पावर एन का हमें एक्सपेंशन करना हो तो हम बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी जीरो एक्स टू पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन ए एंड सो ऑन, है ना। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम जो हमने फर्स्ट वीडियो में जिसको डिटेल में हम लोगों ने कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ था, ये कैसे आया है, ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सो अभी क्या करते हैं कि अगर हम इस थ्योरम में, इस स्टेटमेंट में अगर मैं क्या करता हूँ कि x के प्लेस पे, नाउ यू थिंक अबाउट कि हम x के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पे x पुट कर दें। अगर हम ये चूज करते हैं क्योंकि लेट अस पुट x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू x, देन व्हाट विल हैपन टू दिस, तब इस ये थ्योरम किस फॉर्म में चला जाएगा। सो इन दैट केस ये हो जाएगा a प्लस x टू पावर n। ओके, यहां क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा एन सी जीरो। अब x टू 1 हो गया तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारा हो गया एन सी 1, x हमारा 1 हो गया, a हमारा x हो गया है, नहीं, देन एन सी 2, x हमारा 1 हो गया, है ना, x हमारा 1 हो गया है और a हमारा x हो गया है। सो सिमिलरली एन सी 3, x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही एक टर्म आएगा इसमें एन सी आर का, जहां पर हम लिखेंगे x टू पावर r एंड सो ऑन, इट इज एन सी एन माइनस वन x टू पावर n माइनस वन, एट लास्ट एन सी एन x टू पावर n। यानी अगर हम इस पूरे रिजल्ट के अंदर x को 1 और a को x पुट करते हैं तो हमारा ये थ्योरम जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी इसी में क्या करते हैं कि अगर हमने इन प्लेस ऑफ प्लस माइनस रखा तो इसी रिजल्ट को हम लिख पाएंगे nc0 माइनस का nc1, क्योंकि ये हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्या होगा कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मैं आगे के टर्म इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि n इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंगली ये लास्ट साइन प्लस या माइनस का होगा। मतलब हम इसी तरीके से जो हमने प्रीवियस लाइन में लिखा है एग्जैक्टली उसी को लिखना है, बस हो क्या जाएगा कि हम अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लिखते चले जाएंगे। सो एक्स वन प्लस एक्स टू पावर एन एंड वन माइनस एक्स टू पावर एन के ये दोनों एक्सपेंशन हो जाएंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में दोनों को ऐड करके, दोनों को सबट्रैक्ट करके हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स बनाए थे ना, सिमिलरली यहां भी क्या हो सकता है कि इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करके, इन दोनों स्टेटमेंट को सबट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि और भी रिजल्ट, माने इस तरह के और रिजल्ट्स बन सकते हैं। ओके, सो नाउ सी कि हम इन रिजल्ट को यूज करके जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस कर पाएंगे, यानी उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी बाइनोमियल थ्योरम के, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। सो नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन है 96 टू पावर 3 है, 100 टू पावर 5, अभी जो हमने रिजल्ट लिखा है दैट रिजल्ट विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग दिस। अब ये कैसे हेल्प करेगा, जैसे मुझे क्या करना है 96 टू पावर 3, मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको 100 की हेल्प लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ना 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी क्यूब, सॉरी, हमें ऐसा नंबर यूज करना है जिसकी कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। अभी देखिए यही क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, एन सी जीरो राइट, देन एक्स टू पावर एन, ओके, नेक्स्ट माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए, सो इट इज 3c1, 100 का पावर 2 हो जाएगा और साथ में एक 4 लिखेंगे, देन नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा
3C2। नाउ 100 की पावर अब 2 की जगह 2 की जगह 1 हो जाएगा ना, और साथ में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड एट लास्ट, यानी अब नेगेटिव हुआ ना, फर्स्ट पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, नाउ इट विल बी नेगेटिव। और अभी क्या हो जाएगा, ये 100 की जगह तो खत्म हो जाएगी, और 3C3 हम 4 क्यूब लिख देंगे। रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन। अब 3C01 होता है, 100 का क्यूब मतलब 2 और 0 पुट कर दें, 3C1 कितना होता है, 3 होता है, 100 स्क्वायर का मतलब 20 और पुट करते हैं, इंटू 4 भी है, तो क्या करते हैं कि यहीं पर 4 3 12 लिख देते हैं। नाउ 3C2 3C1 आपको पता है कि इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये 3 आने वाला है, और ये 100 तो ऑलरेडी है, 4 का स्क्वायर नाउ 16, 3C1 हो जाएगा और 4 क्यूब 64। सो क्या करेंगे, अब इसको एड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इन क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 101 पावर 4 कैलकुलेट करना है, अभी इसको क्या करना ना, अभी हमने जो लिखा था ना 1 प्लस की हेल्प से, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 प्लस 100 टू पावर 4। ओके, अभी x को नहीं लिखना है, है ना, x 1 हो गया, यानी अब a को लिखते जाना है, तो ये थोड़ा और इजी लगने लगता है। क्या करते हैं, 4c0 4c1 इंटू ए ना, यानी 100। नाउ 4c2 a स्क्वायर, दैट मीन 100 स्क्वायर। नाउ 4c3 100 का क्यूब हो जाएगा, सिमिलरली 4c4 और 100 टू पावर 4। रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन। आपको पता है 4c1 1 होता है, 4c0 1 होता है, 4c1 4 होगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। 4c कैलकुलेट कर लेंगे कि 4c2 कितना होता है। कैलकुलेट करने का तरीका हमारा सिंपल है, 4 × 3 1 × 2, सो इट इज 6 और 100 में 00 और पुट कर देना है। 4c3 4c1 होता वन ही मतलब एक जैसा होता है, सो दैट इज सिंपली 4। 100 की पावर में 3 है, यानी ये 0 के जो पेयर हैं 3 टाइम लिखेंगे, और 4c1 1 होता है, यानी रेस्ट जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह जाएगा। सो नाउ बायनोमियल थ्योरम जो है हमारी, वो इन कैलकुलेशंस को भी, यानी इनको भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। नाउ सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1,000, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। सपोज हमसे ये पूछा जाए कि अगर इन दोनों में से मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये तो 1000 मेरे पास है ही, हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। और यानी हमें क्या करना है, 1.1 की पावर 10,000 लिख के ना अब बायनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। सो नाउ बायनोमियल थ्योरम में इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 0.1 टू पावर 10,000, यानी इसको मैं इक्वल का साइन आएगा, इसको 1/10 लिख देते हैं कि पॉइंट्स नहीं लिखना पड़े मुझे, और अब ये n मेरा 10,000 हो गया। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सपेंशन। नो डाउट कि ये 10,000 इतना बड़ा तो सीरीज लिखेंगे नहीं। अब 10,000 एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि 10,000 प्लस वन टर्म ना, इतने टर्म्स होंगे, तो हमारा आंसर उसके पहले हमें दिखने लगेगा। कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, NC1 ना और NC0। फर्स्ट टर्म क्या होता है, NC0, यानी जो बायनोमियल कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, NC0 NC1 NC2, दीज आर द बायनोमियल कोफिशिएंट। तो NC0 तो 1 होता है, है ना, ठीक है, 1 के साथ 1 की मल्टीप्लिकेशन आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट होगा NC1, दैट मीन 10,000 C1। अब 10,000 C1 10,000 ही होता है, नहीं 10,000, और साथ में क्या आएगा, A आएगा, A मतलब 1/10। नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 10,000 C2 और यहां 1/10 का स्क्वायर आने वाला है। ओके एंड सो ऑन। अभी यहां देखिए, ये 10,000 तो ऑलरेडी है, यानी यहां पर हम 10,001 प्लस ए पॉजिटिव नंबर ना, यानी आगे जो भी नंबर्स हैं वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दिस ऑनवर्ड ये जो भी नंबर्स हैं। अच्छा एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो ये 10,001 नहीं 1001 है, क्योंकि 1001 प्लस ए पॉजिटिव नंबर। सी इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ तो आएगा, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन कहीं है ही नहीं, चाहे कितना भी छोटा हो, होता पॉजिटिव ही होगा।
और हमें ये पता करना था कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है। ये नंबर है 1000 और यहां क्या हो गया, 1001 तो हमारे पास पहले ही आ गया, उसमें हमें कोई पॉजिटिव नंबर एड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज ग्रेटर देन 1000, ये 1000 से ग्रेटर है। इट मीन 1.1 की पावर 10000 इज ग्रेटर देन 1000। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फाइंड ए प्लस बी पावर 4 माइनस ए माइनस बी पावर 4 और हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट दिस। सी अगेन यहां पर भी क्या है, जब इस क्वेश्चन को आप करने जाएंगे ना तो कौन सा फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है, हमने एक्स प्लस ए पावर एन का एक्सपेंशन और साथ में हमने एक्स माइनस ए पावर एन का एक्सपेंशन, ये दोनों एक्सपेंशन को ऐड किया हुआ है हमने अपने फर्स्ट वीडियो में। ओके फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको दोनों को ऐड किया हुआ है। और हमने याद करने का तरीका क्या अपनाया था कि जब इनको लिखेंगे ना तो ट्वाइस क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो 4c0 है ना, नेक्स्ट टर्म जो है वन नहीं आएगा, एक एक छोड़ के आना है। 4c2 3 नहीं आएगा, 4c4 लिखेंगे। साथ में क्या लिखना है, अब आपको जीरो के साथ पता है कि एक्स जो फर्स्ट टर्म होता है एक्स, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आएगी। फर्स्ट टर्म में ए नहीं आता है, ओके देन हम प्लस पुट कर देंगे ना। अब यहां पर टू है तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे और ए का स्क्वायर कर देंगे और लास्ट यहां पर ए पावर 4 लिख देंगे। ओके ये याद करने का तरीका है। अच्छा चलो नहीं याद मुझे है ना, सपोज करो मुझे नहीं याद है भाई, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ए और बी का यूज है तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी पावर 4 का एक्सपेंशन ही लिख देता हूँ, वो भी कौन सा मुश्किल है। 4c0 ए टू पावर 4 प्लस 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c3, मतलब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है और कि हम फॉर्मे को मतलब याद रखेंगे तो थोड़ा समय बच जाएगा, हार्डली सेकेंड लगता है इसको लिखने के लिए। अब जहां माइनस है सेम टर्म्स को हमें लिखते चले जाना है और बस क्या करना है, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करते जाएंगे। माइनस का प्लस आएगा नहीं, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा और माइनस के बाद फिर प्लस आ जाएगा। अब इसने कहा है दोनों को सबट्रैक्ट करना है, ए प्लस बी पावर 4 माइनस ए माइनस बी पावर 4। अब इस सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इन सब का साइन चेंज होने वाला है। ओके तो जो प्लस में थे वो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस वाला ऐड हो जाएगा और डबल हो जाएगा। सो इट इज 4c1 ए क्यूब बी, एक ये बच जाएगा, ये प्लस साइन हुआ है, ये तो माइनस है, ये एक प्लस साइन है, यानी एक बच जाएगा 4c3 ए बी क्यूब सी अगेन। अब देखिए वापस जो मैंने रिजल्ट लिखा था, यहां मैंने प्लस का रिजल्ट लिखा, ये माइनस का रिजल्ट है। सो जो प्लस में नहीं आए हैं ना, जो टर्म्स प्लस में छूट गए हैं वही यहां पर आ रहे हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर हम इस तरह के टू रिजल्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि 0, 2, 4 यानी इवन नंबर्स लिखेंगे और अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऑड नंबर्स लिखेंगे। सो ये हमारा ए प्लस बी पावर 4 माइनस ए माइनस बी पावर 4 का आंसर आ गया। 4c1 को 4 और 4c3 भी 4 होता है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, इस रिजल्ट की हेल्प से इसको कैलकुलेट करना है, एक्चुअली है ना, उस रिजल्ट को का यूज करके ये कैलकुलेट करना है। ओके 2 4c1 4 होता है, a मतलब √3। अब √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3√3। साथ में क्या है, b है, दैट इज √2। 4c3 4 होगा, a मतलब √3 और b क्यूब मीनिंग अब √2 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2√2। 2√2 ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, एक जैसे हैं टर्म, कितना है, 4 2 8 8 और 4 3 12। So, 8 12 20, 22 40 और साथ में √6। तो दिस में भी द आंसर, यानी प्योरली कैलकुलेशन है। हम अगर एक्सपेंशन को यानी इस पूरे टॉपिक के लिए बाइनोमियल थ्योरम का जो फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो हमारा है, सो हम ए प्लस बी पावर एन की का एक्सपेंशन याद रखते हैं तो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही सिंपल होंगे।
एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि ए और बी को एक्स और वन ने रिप्लेस कर दिया और फोर की जगह सिक्स आ गया है ना। सो ओके, लेट मी लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में इस तरह का एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कई बार क्या होता है कि हमें शो करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64। ऐसे क्वेश्चन हमने और कहां किए हैं, ऐसे क्वेश्चन क्लास 11 की मैथमेटिकल इंडक्शन में भी है। मैथमेटिकल इंडक्शन में एक इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक यहां पर है। हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट 9 to power n plus 1 minus 8 and minus 9 मुझे शो करना है कि नंबर 64। अब 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 से उसका रिलेशन है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को 8 में ब्रेक करेंगे। उस ब्रेक करने से पहले मैं और क्या करता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 टू पावर n इंटू 9 माइनस 8 एन माइनस 9। अभी इस 9 को छोड़ देते हैं, 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, और माइनस का 8 n माइनस 9। अभी 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन हमने फर्स्ट स्क्रीन में दिखा था, तो क्या करते हैं, यहां एक्सपेंशन शुरू करते हैं। सो हेयर वी आर राइटिंग, 9 तो आएगा ही सबके साथ, और यहां एक्सपेंशन शुरू किया। क्या है एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म, एन सी जीरो, नेक्स्ट टर्म एन सी वन इंटू ए, नेक्स्ट टर्म एन सी टू एट स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म एन सी थ्री एट क्यूब, एंड सो ऑन एट लास्ट एन सी एन एट टू पावर एन माइनस एट एन माइनस नाइन। एन सी जीरो कितना होता है, वन, एन सी वन कितना होता है, एन। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 इंटू 1 9 हो गया, वो इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना है 8 n इंटू 9, 9 8 जा 72, और 72 में से 8 n को सबट्रैक्ट करेंगे तो 64 n आएगा। ये फर्स्ट टू टाइम एंगेज हो गया। नाउ यू सी दिस ऑनवर्ड, अब इस पूरे पोर्शन को ध्यान से देखना है, 8 स्क्वायर 8 क्यूब, दैट मीन अगर हम कुछ कॉमन करना चाहें तो 8 स्क्वायर That is 64 is common from each and every term ना, साथ में क्या आएगा NC2, NC3 8, यानी 8 square common हो गया ना। ऐसे even last term में से क्या होगा NCN 8 to power n minus 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी देखिए 64 का भी और हम common कर सकते हैं ना, 64 common करेंगे तो यहां से n लिखेंगे और ये expression पूरा लिख देंगे। Now since 64 is common, so what we mean? इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो हमने लिखा है 9 टू पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9, ये 64 से डिविजिबल है, ये ना मीनिंग निकल के आएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो नेचुरली आपको यहां पर ऐसा नंबर दिया जाएगा जो हम ब्रेक करके, जिसको हम ब्रेक करेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, और जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो जिससे मुझे, जिसका मल्टीपल या डिविजिबल मुझे शो करना है, वो नंबर ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है इस तरह का। वन मोर इज देयर, कहता है प्रूव करना है समीशन आर इक्वल टू 0 टू एन 3 टू पावर आर सी एन आर इक्वल टू 4 टू पावर एन। ओके, सो नाउ टेल मी कि ये जो हमारा एक्सपेंशन था एक्स प्लस ए पावर एन, याद है इसको हम लोग ऐसे भी लिखा था हम लोगों ने, वेयर आर इक्वल टू 0 टू एन सी एन आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर, हम लिखते ना इसे, हम वी नो दैट कि बाइनोमियल थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। ये क्वेश्चन तो इसका मतलब इससे डायरेक्टली रिलेटेड है भाई, है ना। अगर इसमें मैं क्या करता हूं कि x के प्लेस पे 1, है ना, x के प्लेस पे 1, या रिवर्स बोल दो, है ना, x के प्लेस पे 1 कर देते हैं और a के प्लेस पे 3। मैंने क्यों कहा रिवर्स बोलने के लिए, ये दोनों अपने प्लेसेस चेंज कर देंगे, लेकिन क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आंसर इस तरह का चाहिए और यहां 3 पावर r है, a पावर r है ना, तो a को 3 पुट करने से मेरा आंसर सीधे सीधे बन जाएगा। x को 1 पुट किया, a को हमने 3 पुट किया, 4 हो गया।
यहां ये क्या आ गया, समेशन r इक्वल टू जीरो टू n, और ये c n r अपनी जगह रहेगा, है ना। और साथ में क्या है, x तो 1 हो गया, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, a को हमने 3 लिखा है, 3 टू पावर r, सो दिस वी गेट द सॉल्यूशन। मीनिंग जो हमने बायनोमियल थ्योरम को अपने फर्स्ट लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम को समेशन की हेल्प से हमने एक्सप्रेस किया था, उसने हमारी हेल्प इस क्वेश्चन को करने में करी, है ना। उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हमने थोड़ा और आसानी से सॉल्व कर लिया। सो ये जो एनसीईआरटी की जो बायनोमियल थ्योरम की फर्स्ट एक्सरसाइज है, इन विच वी हैव 14 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोगों ने वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व किया था, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो अगेन दिस इज द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये आया आपके सामने भी स्क्रीन पे। ओके सो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर था। हम नेक्स्ट लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम को और कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल।